दोस्तों आप देख रहे हो रेनॉल्ट ट्राइबर, जो कि रेनॉल्ट ट्राइबर एक 7-सीटर एमपीवी है, जो कि उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है अगस्त 2019। एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मिल जाएगी 5.50 लाख से स्टार्ट हो गए 7 लाख तक, यानी कि उसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 5.50 लाख रुपीज में और उसका हायर वेरिएंट 7 लाख रुपीज में आपको मिल जाएगा, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल एमपीवी होगी इंडियन मार्केट में, जो कि कम्पीट करने वाली है मारुति सुजुकी XL6 से। वहीं उसके रेफरेंस के तौर पे मैं बता दूं रेनॉल्ट डस्टर और मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से भी ये कम्पीट करने वाली है। बात करूं उसके इंजन की तो इंजन में आपको उसमें डीजल इंजन नहीं मिलने वाला। वहीं उसके पेट्रोल इंजन की बात करूं तो पेट्रोल इंजन में आपको 999 सीसी का इंजन पावर मिलेगा, जो कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपको उसमें अवेलेबल हो गए। वहीं उसकी एक्सपेक्टेड माइलेज की बात करूं तो 20-25 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। वहीं उसका मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 716 हॉर्स पावर, जो कि 6252 RPM पे मिलने वाला है। वहीं उसका मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 96 Nm 3500 RPM के साथ आपको मिल जाएगा। वहीं आगे उसकी बात करते हैं ऑल ओवर डिज़ाइन की, ऑल ओवर डिज़ाइन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, काफ़ी इंस्पायर तक लगती है एक रेनॉल्ट क्विड से, और वहीं कन्वेंशनल लुक देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अगर आप उसमें बेस वेरिएंट खरीदते हो तो उसमें आपको LED डे टाइम रनिंग नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हायर वेरिएंट ही खरीदना पड़ेगा, उसमें ही आपको LED डे टाइम मिल जाएगा। वहीं आपको मिसिंग कर पाएगी आप फॉग लैंप, इस कार में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे दोस्तों। लेकिन बात करें उसकी इंचीज व्हील की, टॉप एंड वेरिएंट में आपको 16 इंच व्हील मिल जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच के मिल जाते हैं। वहीं उसकी ऑल ओवर डिजाइन काफी अट्रैक्टिव, उसमें आपको रूफ रेल्स भी दिखने को मिल जाती है। रूफ रेल्स वैसे ही लुक के लिए नहीं बनाई दोस्तों, इसमें आपको 450 kg तक उसका सामान भी रख सकते हो। अब बात करते हैं उसकी डायमेंशन की, डायमेंशन में आपको विड्थ मिल जाएगी 1739 mm और हाइट मिलेगी 1643 mm, व्हील बेस भी आपको मिल जाएगा 2636 mm। वहीं उसकी बूट स्पेस 625 mm मिलेगी। अब बात करते हैं उसकी इंटीरियर डिज़ाइन की, तो ऑब्वियसली दोस्तों एक फीचर लोडेड एमपीवी है, रेनॉल्ट ने बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ दिखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं उसकी इंटीरियर डिज़ाइन की, इंटीरियर डिज़ाइन में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको पहले नहीं मिलते थे रेनॉल्ट की गाड़ियों में। अभी ड्यूअल टोन इंटीरियर भी देखने को मिल जाएगा, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ मिलेगी, 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिलेगी। वहीं आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है, उसमें भी आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाती है, आप उसमें 2 बॉटल रख सकते हो आराम से। वहीं आगे आपको कप होल्डर भी दिखने को मिल जाता होगा। बात करते हैं उसकी रिवेल्स की, जो कि जब भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी वो कम्पीट करेगी अपनी ही सेगमेंट में आने वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा, महिंद्रा मराजो और हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस के साथ, वही कंपीट रहेगी जैसे इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी आपके लिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंडस्ट्री से जितने भी न्यूज लेके आओ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।